क्या कभी आपने लिट्टी चोखा बनाया है घर पे? Hi guys, I am Priyanka and welcome to my new vlog. पता है आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम रस्टिक विलेज स्टाइल लिट्टी चोखा, वो भी कोयले की सिगड़ी पे अपने गार्डन में. So come on, let's go. सो गाइज, जो लिट्टी चोखा है ना, वो हमारे यूपी और बिहार में बहुत खाया जाता है. इसका जो टेस्ट है ना, आय हाय, बहुत स्वाद भाई है. वैसे मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी बिहारी है यूपी बोलने की, देखते अभी कैसी बोलती हूँ. मैं ओरिजिनली ना वैसे लखनऊ की हूँ. तो ये देखो, यहाँ पर लगा दिया है मैंने अपना सारा सेटअप. और ये है भाई सत्तू. ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है ये चने का सत्तू. उसके बाद यहाँ हमने लगा लिया अपना लिट्टी के लिए आटा. और ये अभी जाएंगे भुनने. इसको बोलते हैं बंटा या फिर बैंगन. और टमाटर, हरी मिर्ची, यहाँ कटे हुए प्याज हैं, नींबू हैं, लहसुन है, हरी मिर्ची, धनिया. और ये बनाई है मैंने टमाटर की चटनी, बहुत ही तीखी और मज़ेदार है. तो चलिए भाई, अब जो है सबसे पहले इन सबको डालते हैं कोयले की सिगड़ी पर, जो अभी आपको दिखाती हूँ. पर इनको डालते कैसे वो पहले आप देखिए. ये जो बंटा है ना, छुरी कहाँ गई. ये जो बैंगन है, इसमें पहले आप चीरा लगाइए. ये अगर आप चीरा नहीं लगाए ना, तो भड़ाम करके फटेगा ये. इस तरीके से आपको चीरे लगाने हैं. और फिर करना है, ये है मस्टर्ड ऑयल. ये सरसों के तेल में जब आप बनाएंगे ना, ओए होए क्या स्वाद भाई. चलिए अब इसको लगा देते हैं ज़रा भुंजने. ये जो सिगड़ी पे भुंजेंगे ना, आए हाय क्या स्वाद आने वाला है. क्यों देख के ही आ रहा है ना मुँह में पानी. और हम इसमें टमाटर भी रखेंगे ज़रा सा. सिगड़ी पे पके हुए खाने का मज़ा ही अलग है. चलिए भाई, मिर्चें भी सजाई देते हैं जब लेकर आए हैं. बहुत बढ़िया आएगा स्वाद इनका. ध्यान से करिएगा ये सारे काम, जल बल मत जाइएगा. देखिए भाई, यहाँ तो तैयारी हो गई है ये बैंगन टमाटर और मिर्ची भुंजने की. ये प्लेट इधर ही रख देती हूँ, बाद में ले लेंगे. अब चलते हैं सत्तू बनाने. हाँ, ये देखो भाई, ये जो सत्तू है ना, ये भरेंगे हम अपनी लिट्टी के अंदर. पर इसके अंदर भी ज़रा जाएंगे बहुत सारे मसाले वसाले. तो देखिए मैं क्या क्या डालने वाली हूँ. अच्छा, सबसे पहले डाल देते हैं ज़रा चम्मच भर भर के लहसुन. ठीक है, लहसुन वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें. उसके बाद डालते हैं कटी हुई हरी मिर्चें. ये सब आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा, कोई फिक्स रूल नहीं है, कितना भी डाल सकते हैं. अच्छा, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट मसाले हैं. ये मैंने जो है कुटी हुई लाल मिर्च ली है या अजवाइन ली है. और ये है वो अनियन सीड्स. इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, आप ही बता दीजिए ज़रा. चलिए छोड़िए, इनको भी नहीं पता क्या बोलते हैं. ये सब हम डाल देते हैं. ये देखिए, ये गया, ये सारा मिश्रण तैयार होने वाला है. और अब डलेगा बारीक कड़ा हुआ प्याज. चलो भाई, इसको तो जो है हाथ से डालते बढ़िया तरीके से. आहा, क्या मज़ेदार बनने वाला है. थोड़ा रख लेते बचा के भाई, भरते में भी तो काम आएगा. और अब डलेगी ये हरी हरी धनिया की पत्ती. इसका स्वाद भी बड़ा अच्छा आएगा, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा. देखिए, देख रहे हैं क्या रंग बिरंगा तैयार होने वाला है. ये हरी मिर्चें तो सब हो गई, अब थोड़ा सा ना नींबू भी डाल देते हैं. ये जो तीखा और खट्टा खट्टा स्वाद है ना, ये गज़ब का आएगा. ये देखिए, ये सब गया नींबू. निचोड़ जा, थोड़ा दम लगा के निचोड़ते हैं भाई, वेस्ट नहीं करनी चाहिए कोई चीज़. ठीक है, अब जो है इसके अंदर ये जो सरसों का तेल है ना, ये डालना बहुत इम्पोर्टेंट है. ये कच्ची घनी का सरसों का तेल है, इसको आप डालिए साहब. आहा, क्या बात है. और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं भूल रही हूँ, वो है ये नमक और जीरा पाउडर. नमक हम तो स्वाद अनुसार डाल रहे हैं, आपकी जितनी मर्ज़ी डाल लीजिएगा. ठीक है, और ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर है. थोड़ा नमक और डाल देते, हमें कम लग रहा है. चलिए अब इसको आप सबको, अरे हाय हाथ में थोड़ी सी जलन हो रही है, लगता है मेरा नाखून ज़्यादा कट गया है. अब इसको अच्छे से ऐसे ऐसे आराम से मीस मीस के जो हैं बनाइएगा. अच्छा, ये सूखा ज़्यादा नहीं रहना चाहिए. इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा. हल्का हल्का डालिएगा अंदाजे से. ये एकदम आटे के जैसे गूंद मत दीजिएगा आप. सो हमारा सत्तू बन के तैयार है. ये देखिए, आपको इसको इतना गूंथना है कि ये देखिए ऐसा, ये देख रहे हैं, ये लड्डू जैसा बन जाना चाहिए, तब इसकी कंसिस्टेंसी जो सही होती है. अगर ये सूखा रह गया तो आपकी लिट्टी जो आप बनाओगे ना, फट जाएगी. अब इसकी हम बताते हैं लिट्टी कैसे बनेगी. छोटी छोटी लोइयाँ लीजिएगा, नहीं तो
बड़ी बड़ी लोई ले ली ना तो बेकार बनेगी। चलिए देखिए, इसको जो है ऐसे कटोरी की शेप में पहले आप बनाइए, पूरी बढ़िया कटोरी बन के आनी चाहिए आपकी, आई समझ? अच्छा, इसमें जो किनारी है वो पतली रहेंगी, बीच में ये मोटा रहेगा। ये बन गई। अब ये देखिए, इसमें जो पूरा लड्डू है ना ये भर जाएगा। अरे लड्डू ही फूट गया हमारा तो वापस बनाते हैं लड्डू ज़रा। ये देखिए बन गया। अब जो है आप इसको ऐसे ऐसे ज़रा बारीक फोल्ड करते जाइए। देखा, ये कटोरी हमारी फोल्ड हो गई। जितना एक्स्ट्रा आटा आप इसमें से निकाल सकते हैं ना, निकाल लीजिएगा। अरे भाई, हमारी तो ये लिट्टी फट सी गई है। चलो कोई बात नहीं, हम कुछ करके इसको सही कर ही लेंगे। ये लीजिए भाई, दबा दिया, अब नहीं फटी है ये हमारी एक लिट्टी बनके तैयार हो गई। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे लिट्टी जो है अब कोयले की सिगड़ी में जाने के लिए तैयार है। देख रहे हो कितनी सुंदर सुंदर लिट्टियाँ बनाई हैं मैंने, खा के बताऊँगी बाद में कैसी बनी है। भाई यहाँ पे हमारे बैंगन भी जो है भुंज भुंज के तैयार हो गए, ये देख रहे हैं, सब कुछ भुन चुका है। मिर्ची तो मुझे लग रही है जली गई है। चलिए पहले इनको निकाल लेते हैं भाई। ये देखो तैयार है भाई हमारे गर्मा गर्म। अब जो है हम अपनी इधर दिखाइए ज़रा, लिट्टियों को भी सिगड़ी पे डाल देते हैं। ये आराम से डालिएगा धीरे धीरे। ऑल राइट भाई, चिपकना विपकना मत, ज़रा हमारी लाज रखना। थोड़ी उल्टी डाल देते हैं, थोड़ी सीधी डाल देते हैं। सो गाय, जो बैंगन भूंजे थे ना उनको छील के तैयार कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे बैंगन जो है तैयार हो गया है, यहाँ पे टमाटर, ये है हरी मिर्ची। अब चलिए चोखा बनाना स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले डालेंगे ये ना बारीक कटे हुए प्याज। चलो भाई खूब सारा डाल दो, ज़रा बढ़िया तरीके से डालिएगा, कोई कंजूसी वंजूसी नहीं करिएगा इसमें, हम बता रहे हैं। उसके बाद डालते हैं ये खूब सारी हरी मिर्ची। ठीक है, अब डलेगी ये लाल मिर्च, नमक और जीरा पाउडर। सब स्वाद अनुसार डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम ज़्यादा की अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और थोड़ी धनिया, देखा कितना कलरफुल लग रहा है। चलिए थोड़ा सा ये जो है ना गार्लिक भी डाल देते हैं। वैसे तो कच्चा गार्लिक डालते हैं, पर हमारे यहाँ कच्चा गार्लिक खाया नहीं जाता, तो हम ये भून के लाए हैं। ये देखिए, इससे तो क्या फ्लेवर आएगा। हाय, अब थोड़ा सा जो है नींबू डालते हैं। नींबू, हाँ ये है भाई। अरे भाई पुराने बीजे हट जाओ तुम लोग। चलिए, चलो साहब एक और आ जाओ। ये हुई बात, क्या बात है, कभी बनाया है ऐसा देसी रस्टिक खाना? बना के देखना, बड़ा स्वाद आएगा। अब जो है ना इसको हम मिलाएंगे, ये जिसे पाव भाजी मिलाते हैं ना, बम्बई के है तो पाव भाजी तो हमारे यहाँ खूब बनती है, तो इससे ऐसे ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए, आइए पास आके दिखाइए ज़रा। आहा, क्या बात है, क्या बात है। अरे एक चीज़ तो हम भूल ही गए डालना, देखो जल्दीबाजी में ऐसा ही होता है, सरसों का तेल थोड़ा ही सा डालिएगा। चलो लिट्टियों को पलटने की बारी आ गई है, लग रहा है पक चुकी हैं एक तरफ से। अरे बाप रे, तो बड़ा रिस्की है इनको पलटना। ओह अरे बाबा, जलो मत, क्या बढ़िया लग रही है ना। आए हाय, मज़ा आ गया इनको देख के तो। जल्दी जल्दी पको, फटाफट खाएंगे। सो गाइस, हमारा लिट्टी चोखा हो गया है तैयार। ये देखो, आय हाय, क्या गर्मा गर्म लिट्टियाँ है ना। ओह, और ये जो बैंगन का चोखा बनाया है, आय हाय, खा के बताऊँगी कैसा है। और ये है शुद्ध देसी घी, उसके साथ में मैंने ली है ये टमाटर की चटनी। इसको देख के ना एकदम मन ललचा रहा है कि जल्दी से खा जाऊँ। वैसे लिट्टी खाने का ना एक तरीका होता है, ये नहीं कि आपने ऐसे ही खा ली, पहले ज़रा इसको थोड़ा सा तोड़िए। ये देखिए सा, ये ऐसे टूटेंगी। आ हा, ये देखा। अब ना इसको आप यूँ ऐसे घी में डुबा दीजिए। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं क्या बढ़िया घी में तैर रही है। इसको उल्टी पलटी करिए ज़रा, घी जो है अंदर तक चला जाना चाहिए। ये देखो, इसमें ना बबूले निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं, क्योंकि घी ना अंदर तक सख हो रहा है। अब भाई हमारी एक लिट्टी तैयार हो रही है। ये देखो, पूरा घी से लबालब भर गया, देखा। आहा, अब इसको देते हैं हम निकाल।
अब खाएंगे लिट्टी चोखा। चलो भाई, हाय हाय कितना सौरगी भर गया बताए। चलो चोखा लगाते हैं। ऑल राइट, हाय हाय अब जा रही है पहली बाइट इतनी मेहनत करने के बाद। आई कॉन्ट बिलीव दिस, पहली बार बनाया है और इतना गजब का बनकर आया है कि मैं आपको क्या बताऊं। वाकई बहुत स्वाद बनी है ये लिट्टियाँ, और चोखे में ना जो सरसों के तेल का फ्लेवर आ रहा है ना, मैं क्या बताऊं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। हाय हाय टू गुड टू गुड। एक बात है, मैं कितने ही 5 स्टार में खाना खा लूं या कहीं भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लूं, ये जो अपना देसी खाना है ना, उसका स्वाद तो भाई कहीं पे भी नहीं मिलता। देसी खाना देसी तरीके से बनाओगे तभी मिलेगा। क्या बात है, हाय चोखा ने तो दिल जीत लिया। थोड़ी ना टमाटर की चटनी भी लगा लेते हैं, बड़ी मेहनत से बनाई है। देसी खाना, आई लव देसी इंडियन फूड। आपको कौन सा खाना पसंद है, अपना देसी खाना या विलायती खाना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई इतनी मेहनत से मैंने आप सबके लिए लिट्टी चोखा बनाया, तो एक लाइक करना तो बनता है ना इस वीडियो को, ना बहुत सारे लाइक देना प्लीज़। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा ना, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई। यहाँ पे मैं खा रही हूँ अपना मज़ेदार, एकदम गाँव की याद दिला दी इस खाने ने, घी और लगा देती थोड़ा। तो चलो अब मैं आपको मिलूंगी अगले फ्राइडे, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग। लिट्टी बनाओ और खूब खूब खाओ।